जोर से बोल। इसका सत्यानाश करने वाली हूँ मैं। अच्छा, उसको जान से भी मारने का है? हाँ। कैसा मारने का? बीमारी पे डाल के, एक्सीडेंट करके? कैसा? इसको जमीन को गिरा गिरा के मारने वाली हूँ मैं। अच्छा, तड़पा तड़पा के गिरा गिरा हाँ। के इन्हें बीमार पड़ना बार 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 बार। हाँ। फिर मारने का कब है? अम्मास में, पूनम में? अम्मास के पूनम नाम क्या है पेशेंट का? तो पूनम को, पेशेंट का नाम क्या है? नसीमा अभी को कब मारने का? मास में, पूनम में? मरने वाली है अब उन्हें। अच्छा, मौका देख के मार देने का अब जल्दी? मेरे सामने थी उन्हें, मेरे घर के सामने थी उन्हें। अच्छा, बहुत नास्ती थी उन्हें, मरद 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 करके उसे तबाह तबाह करी मैं, तबाह करी उसके मरद को भी तबाह तबाह करी मैं, उसको भी तबाह तबाह करी मैं, आप घर की ना घाट की करी मैं, उसको पूरा बर्बादी लगा दी घर में, पूरा 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 मैं सब सब मैं करी, लेकिन मेरा नाम किसको मालूम नहीं हुआ, उसके लोग आज करे करके मालूम हुआ। अच्छा, उसका तो सब घर का मैं हलई सब, मेरे घर के सामने थी उन्हें। नसीमा अभी का जादू करते टाइम क्या ले गई थी? हाँ, उसके गंदे कपड़े ली गई थी, उसके मरद की लुंगी ली गई थी। हाँ, और मरद को जोरू को एक में एक नहीं रखी मैं। हाँ, हाँ। उसे गंदे गंदे इल्जाम लगा के उसे बदनाम करी मैं, और उसका घर उसका मरद को मैं मेरे हाथ में रखू, मेरे मुट्ठी में रखू, अब उसका सब खत्म हुआ, उसका मरद भी एक दिन मेरे पास आएगा। हाँ, उसका सब तबाह तबाह करी, उसके बच्चे उसके बेटे उसे तन्हा करी मैं, उसे कोई गांव में बात नहीं करता, कोई उसका रिश्तेदार से बात नहीं करता, उसके पास कोई नहीं आता, उसका सत्यानाश करी मैं। अच्छा, उसको कई में मिला खिली थी दवा? हाँ, कई में उसके खाने में क्या खाना था वो मुझे याद नहीं आ रहा, दाल चावल रोटी क्या मैं दी थी कि उन्हें खाई थी मेरे हाथ का, और उसके घर में भी मैं मेरे हाथ से ले जाके डाली थी, उसके बच्चा को उसके मरद को उन्हें घर बेच के गई, उन्हें उसका सत्यानाश हुआ, उन्हें अच्छी थी फिर भी मैं उसके पीछे लगी, उसे नहीं छोड़ी मैं। अच्छा, तू शमशान से जादू करी, खबरस्तान से करी? मेरा खाला का बेटा करे सब, खबरस्तान से शमशान से मुझे नहीं मालूम, मैं उसे बोलते गई उन्हें करते गया। बहुत दिन से दिमाग में थी उन्हें, गली में फिरती थी तो मुझे अच्छा नहीं दिखता था, उसका मरद मैं ली, उसका पैसा मैं ली, उसे रस्ते को मैं लगाई। उसके लोग अभी करे उसे, लेकिन असली कर तो मेरा है उसमें। जलाओ इसके अंदर जरा तेज एक साथ में आग लगाते रहो। Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal mudammir Qum layla al-khalil Nisfahu min husnin qalil أعوذ بالله من القرآن ترتل إنا سندخلك ثقيلا إنا ناشئة الليل هي أشد وأقوى قيل إنا لك في النهار صبحا طويلا واذكر اسم ربك واقبض إليه تبتلا رب المشرق رب المشرق والمغرب لا إله إلا فاتقه وكيل واصبر على ما يقولون وهجر عهدا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة والمقليل إنا لدينا أنكالا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما غصة وعذابا أليما يوم ترجف الجبال كالعهن إنا أرسلنا إليهم رسولا شاهدا عليهم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأستطيع فرعون رسولا فأخذناه بلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجل الودان شبهكم بمباح كان وده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء
اتخذ فمن شاء اتخذ لربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تخمد من سطل والإسف وسلوص والطائفة من الذين معك والله يخنى ربط بالنهار المدى توسف فاتب لكم فأقرمت يسمعكم الصلاة واتوا الزكاة واخرجوا الله قرضا حسنا وما تقدم وما تقدم لأنفسكم من خير تجد عند الله خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم جلاؤ اس کو اندر سے جلا کے مار مار کے ختم کراؤ اس کو پورا اس کی ساری دوا کو جکڑ کے لو الٹی میں جلاب میں تیزی کے ساتھ باہر نکال کے پھینکو اس کے بچوں کو مارنے لیے ہاں اس کا سب تباہ کر مرض میرے پاس آتا ہے अच्छा बच्चों को कैसे मारने का है उसके बच्चे जाएंगे एक्सीडेंट होके अच्छा एक्सीडेंट करने के लिए उसका मर्द मेरे हाथ में आने वाला है चलो इसको जकड़ के लो मैं मेरे हाथ में ली हूँ उसे आप थोड़े दिन ही उसके उठता तो उठता है उसका मर्द बैठ का तो बढ़ता है स्कूल में से भागते आता है मेरे पास चलो अभी तक पूरा जला क्रिया खत्म करेगी जकड़ के लो उसको उसका मर्द है च नहीं उसके पास उसका मर्द मेरा मर्द है अब उसको भी दवा दी जादू करी उस पे भी बिल्कुल दीवाने के जैसे आता है मेरे पास दीवाने के जैसे में मेरे गंदे में डालियो मैं उसको खाने में मेरे गंदे में उसको मेरा गंदा उसके खाने में डालियो मैं उसे मेरा दीवाना है उन्हें दीवाना जो रू बच्चा को सब कुछ हटके आता है जितने पैसे बोले उतने ला के देता है ऐसा आदमी मिलेगा क्या नहीं और उसके औरत पे शक आता है सबका आदमी पे नहीं आता चलो इसको बन के डालो तेजी के साथ में सारे तंत्र मंत्र क्रिया करो सब जला कर राख करने की तैयारी करो चलो इसको बन कर लो सारे तंत्र मंत्र क्रिया डालो उसको मार के खत्म कराने की तैयारी करो सब उसको मरद के अंदर का भी सब निकालने की तैयारी करो तेजी के साथ में जकड़ के लो उसको पानी वो चल लो पानी पूरा जला कर तुझे जलाओ उसके अंदर से आग लगाने की तैयारी करो तेजी के साथ में नको नहीं नहीं नको 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 नहीं नहीं नको पिलाओ पानी चलो अब उसको बन के डालो तेजी के साथ में और अब मार मार के उसके पेट में की सब दवा जकड़ के तेजी के साथ जला के राख कराओ और दूसरी चक्कर में मैं आगे सब तफसील में पूछूंगा जब तक उसको जंजीरा डाल के जलाने की तैयारी कराओ ओए नसीमा भी ये जो मसला है इनके घर की जो दास्तान चल रही है जो भी दास्तान है सामने लाई हुई पूछा है मैंने उनको कुछ खिला वाला कर कुछ करे वाले है वो बला सामने जो भी करा रही थी हरकतें वो सब उसको सामने लाकर लाइव में पूछा दिए अब इंशाल्लाह ताला जिस तरीके करता उस तरीके से सब जकड़ के जला के नष्ट करा दिए इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि पहले से ही सतर्क रहो पहले से ही होशियार रहो पहले से ही सावधान रहो तुम अगर इबादत पहले से करेंगे कुरान पहले से पढ़ेंगे तो तुम पे जादू टोना नहीं चल सकता चल जाने के बाद नमाज पढ़ने जाएंगे कुरान पढ़ने जाएंगे तो बहुत मुश्किल कर देते हैं बलाएं फिर तुमको पढ़ने नहीं देते तुम्हारे रास्ते में रुकावटा डालते तुम्हारे दिल दिमाग को उधर जूझू नहीं होने देते इबादत की तरफ रिटर्न खींच के लेते वापिस और तुम आपको ज्यादा से ज्यादा परेशान करते रहते और जैसा उसकी काली रातें आ जाती अमास पूनम शक्तियों की ताकतें बढ़ने के लिए बलाओं के तुम ज्यादा होशियार करके दिखाते हो बलाएं बहुत सारे राज है बहुत सारे बातें हैं जो ना मांगे सीख मैं बार बार बोलता हूँ वो मांगे फिर भीख दर दर की बेहतर है कि अब जैसे तरीके रहते घर के अंदर एक माहौल बनाना इंसान ने एक मामूल ऐसा बनाना कि सुबह में सूर्य यासीन पढ़ना पूरे घर को लेके बिठा के सबको सुनाना शाम में एक बार पढ़ना हाँ ताकि सुबह पढ़े तो शाम तक महफूज रहेंगे शाम में पढ़े तो सुबह तक महफूज रहेंगे तुम ये सब अबाओं से बलाओं से ये जादू टोनों से तुम्हारा कोई बचा सकता लोगों तो वो है अल्लाह का कलाम
और अल्लाह का कलाम ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए उतरा, सारे उम्मत के लिए उतरा अल्लाह है। जिसने ईमान कबूल करा वो मुसलमान, जिसने ईमान नहीं कबूल करा वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है मगर उन गुमराह हो गए वाले। तो तुम अगर ज्यादा से ज्यादा इबादत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और हदीस कुरान को पे अमला करेंगे तो मतलब कुरान तो सभी पढ़ के उसका फैज हासिल कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन ग्लोबल जितना भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं पीपल, वो सब के लिए पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ने रहमतुल्लामीन बनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और कलाम इलाही जो अल्लाह ने तुम्हारे पास भेज कर दिया है, दुनिया वालों लोगों अल्लाह का एहसान अदा करो, उसका कलाम तुम्हारा दिया उसका शुक्र अदा करो। सजदे में सर रख के भी तो तुम उसका शुक्र सही तरीके से भी अदा नहीं कर सकेंगे क्योंकि उन्हें इतनी बड़ी चीज तुम्हारा दिया जी कलाम इलाही, उसको पढ़ो। ऐसा नहीं है कि वो किताब क्या बोलते तो वो खाली मोमिन मुसलमानों के लिए सब के लिए है, और जो कुरान को बुरा बोलता तो कौन बुरा बोलता कुरान को, जिसके आंग में शैतान रहता उन्हें बोलता, क्योंकि शैतान को मार पड़ती, देख लो मेरे बहुत सारे वीडियो में वो पढ़ने के बाद, इसलिए शैतान उसको बुरा बोलता जहां से उसको मार पड़ने वाली वहां। तो बेहतर है कि तुम्हारे सामने अगर कोई बोल रहा कुरान को कलाम इलाही को तो वो तो उस जहन्नुम का हकदार है जो शैतान का साथी, क्योंकि उसके अंदर कोई बला बैठ के बोल रही, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग गए वाला है और उसको लगा दिया वाला है, वो उसको परेशान कर रहा है उसके अंदर बैठ के उस जबान पकड़ के बातें कर रहा हो। रहमतुल्लामीन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो कलाम इलाही रहमत है तुम्हारे वास्ते, अल्लाह की रहमत और अजमत है तुम्हारे वास्ते। पढ़ो तो तुम वो होंगे, जितने भी तुम्हारे जहमतें तकलीफा हो रही सब इससे वबाओं से बलाओं से निजात मिलेगी, तुम फैज पाएंगे। तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम सिख हो या ईसाई हो, तुम कोई भी धर्म के हो, कोई भी देश के हो, कोई भी गांव के हो, तुम इंसान है, तुम्हारे घर में ये बलाएं घुस के परेशान कर रहे, तुमको तकलीफ दे रहे, तो तुम्हारी तकलीफ तुमको मालूम है, कोई पड़ोसी कोई अड़ोसी कोई रिश्तेदार तुम्हारी तकलीफ बांट के नहीं लेता, लेकिन तुम्हारे को तो तकलीफ हो रही ना कितनी खतरनाक हो रही। इसलिए पढ़ो ये सब इबादतें करो, ये इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो तो तुम महफूज रहेंगे, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ लोगो तुम्हारा कोई सुकून नहीं मिलता रात की नींद में तो जरा ईशा की नमाज पढ़ के तो सोया करो, उसके बाद देखो तुमको ऐसा सुकून मिलता फिर रात की नींद में। तुम ईशा की नमाज नहीं पढ़ेंगे और सो जाएंगे, रात की 8 बजे की नमाज नहीं पढ़े और सो गए तो फिर तुम्हारी रात भर बेचैनी रहेंगे नींद के अंदर, तुम्हारे को सुकून नहीं मिलेगा रात की नींद में जो सुकून होना। इसलिए जरा ईशा की नमाज भी पढ़ के सोया करो तो तुमको भी खुद पता चलेगा ना, जोहर की नमाज पढ़ो तुम्हारे रिक्स में जो बढ़ोतरी करी जाएंगी, तुम्हारे को रोजी रोटी आएंगी तुम्हारे हाथ में। असर की नमाज पढ़ो तुमको ताकत मिलेंगी, ताकत ये जो बीमारियां लग रहे तो तुम बूस्टर ले रहे एक्स वाई जेड क्या क्या एनर्जी ड्रिंक का ले रहे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। असर की नमाज पढ़ो अल्लाह के सामने सजदा करो, तुम्हारे खुद ब खुद नेचुरल तौर से एनर्जी आ जाएगी तुम्हारे अंदर, जैसा के इमाम हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने खैबर का दरवाजा एक हाथ से उखाड़ दिए थे। सबने पूछे कि अली कैसा उखाड़े, आज के बिल्डरों का जरा देखो 500 किलो का सा वेट उठाता बिल्डर, उसके हाथ में से वेट छूट गया कि उसके नाक में से मुंह में से खून आके पीछे गिर जाता हो। 500 किलो का 400 किलो का वेट अगर उठाया तो वो कैसी ताकत होंगी इमाम अली के अंदर के एक हाथ से खैबर उखाड़ दिए थे, और खैबर उखाड़ के उसको क्या बोलते थे, एक हाथ से ढाल के जैसा बना के भी लड़े, और दूसरे हाथ में जुल्फ़िकार थी 105 किलो का उसका वजन लगता। देखो जरा तुमको पता चलेगा इतनी अली को पूछे इतनी ताकत कहां से अली तुम में, तो अली ने रजी अल्लाह तआला फरमाया ये मेरी जिस्म की ताकत नहीं मेरी रूह की ताकत से उठाया तुम्हें, रूहानियत की ताकत इबादत तुम्हारे जिस्म को खिला रहे। एक बॉडी बिल्डर बनने के वास्ते बिल्डर को खूब खिलाते, उसको सप्लीमेंट रहा देते, उसको ये देते उसको वो देते, उसको प्रोटीन देके उसको मोटा तगड़ा करने के वास्ते खूब सारी गिजा खिलाते पहलवान को बिल्डर को, तो उसका जिस्म तैयार होता उसका जिस्म मजबूत बनता, और रूहानी को भी गिज़ा देना पड़ता ना, रूहानी फिर मजबूत होती, और रूहानी जब मजबूत हो गई तो फिर क्या नहीं कर सकती रूहानी, तो रूहानी को गिज़ा उसका जिक्र रहता, उसका जिक्र तुम जितना देंगे इबादत जितनी करेंगे उतनी मजबूत होता जाएंगी। बहुत सारे बातें मैं तुमको क्या बयान करूं, इन शॉर्ट में यही बता रहा हूं तुमको कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना और सब ने पढ़ना, घर के अंदर सूरह बकरा बजाया करो। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही मैं तुम्हारा हमदर्द हूं इंसानियत का, बल्कि मैं बोल रहा हूं तो मुझे तुम्हारे से क्या लेना देना है बे, ना भाई तुम्हारे वास्ते थोड़ी बैठा, मैं अल्लाह के वास्ते बैठा ला हूँ क्योंकि अल्लाह के बंदों की मदद करने को मेरे को जरूरत नहीं है तुम्हारा को चेक करने की या तुम्हारा को राइट करने की। मैं मेरी इबादत में मेरे राह में अल्लाह के राह में इबादत करने में उसमें खुश था, अल्लाह ये काम मेरा मालिक का एहसान है तुम्हारे वास्ते चुना उन्होंने खिदमत खल्क को,
और बातें ऐसे रहती, बहुत सारे बात है, बहुत सारे राज है। अब सारे तो राज तुम आपको खुल के नहीं बोल सकता मैं, मगर बेहतर है कि मैं जो बातें बताता हूँ उस पर अमल करो। मैं ये तुम्हारे फायदे के लिए बताता, मैं ये नहीं देखता कि ये हिंदू है। मैंने हिंदुओं को भी राइट करा, मैंने मुसलमानों को भी राइट करा, मैंने क्रिश्चियनों को भी राइट करा, सिखों को भी राइट करा, जय भीम समाज को भी राइट, हर समाज को मैंने दुरुस्त कराया, उसके अंदर सबकी भीड़वाएं सबकी तकलीफों को बांटा, मैंने दूर करने की पूरी कोशिश करके दूर कराया। यानी कि उनके तकलीफा खुद के ऊपर खींचा मैंने, मगर उनके तकलीफा दूर कराया, क्योंकि तुम्हारे वास्ते मैंने ये सब करा। इंसानियत से मोहब्बत है, बल्कि समझो जरा, अकल से पैदल लोगो, अकल से पैदल, किसका कुछ जाएगा नहीं। तुम्हारे घर में अगर ये वबाएं घुस गए ना तो बहुत परेशान कर देते, रातों की नींद उड़ा देते, खाने के मजे उड़ा देते, कोई चीज में तुम्हारा दिल दिमाग नहीं लगने देते, सब बर्बाद करके मेंटली फिजिकली सब डिस्टर्ब करके खत्म कर देते, लास्ट में एंड कर देते। ये वबाओं से अल्लाह हर बंदे की हिफाजत करे, ये वबाओं से, ये बलाओं से, जादू टोनों से और जादूगरों के पास जाने वालों कमबख्त लोगों, क्या तुम्हारे को ये नहीं समझता बड़ा जादूगरों के पास जाके जादू कर रहे, तुम्हारा बाप करे अगर पहुंच गए उन्हें जादू हटाने वाले के पास में, तो उन्हें पलटा के तुम्हारा तुम्हारे ऊपर डालता है। पहला रूल से अमल अमले आते दुनिया का, क्योंकि हटाते पहला उधर जाना पड़ता वार को वापिस। बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें हैं, इसलिए तुम बेमौत मर जाते, फिर तुम्हारे घर बर्बाद हो जाते, तुम्हारे औलादों की शादियां नहीं होते, फिर पलट के पड़ा तो फिर तुम तंग दस्ती में आ जाते, तुम परेशान होकर सड़क के गल के मरते। फिर वो बोला ना, दूसरे के वास्ते खड्डा खोदने वाला खुद भी खड्डे में गिरता, वैसा हो जाता। इसलिए इंसानियत से मोहब्बत करो। अरे इस्लाम के अंदर तो जानवर से भी मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। शिकार को जाते तुम लोग, तो इस्लाम में बोला शिकार भी नहीं करना। अगर तुम जंगल में फंस गए वाले, कहीं तुम्हें खाना नहीं मिल रहा, तो जब करना शौक से शिकार भी करना मना कर दिया इस्लाम में, क्योंकि उसकी जान किसी के लेने का हुक्म नहीं दिया। अरे पढ़ो जरा, पढ़ेंगे तो समझेंगे तुम बाल से बारीक बातें, वरना ये कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल दे रहा, इसका सुन ले रहे, उसका सुन ले रहे, खिचड़ी पका दे रहे दिल की, कुछ भी सोच रहे दी हदीस के धर्म के बारे में, तो गलत है ये। मैं क्या बोलूं, बोलने को बहुत कुछ बातें हैं, मगर मैं तुमको ये सब इसलिए समझाता कि तुम्हारे घर से सब वबाएं परेशानियां हट जाना और तुम सब बच के सही तरीके से जीना। तुम अगर जल्दी ये चीजों के इलाज नहीं करते, तुम्हारे घर से जाना निकाल के ले जाते, बाद में जान जाने के बाद तुम लाख पछताओ, जान थोड़ी वापिस आ सकती। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या दुनिया ऐसी बन गई, क्या क्या इंसान ऐसा बन गया, क्या ऑटोमेटिक साइंस बोलता रहा बन गया, उन्हें बोलता रहा बन गया। अरे अभी हर चीज का एक वो रहता, पहले साइंस पहले क्या बोलता था, इंसान बंदर से बना बोल के फतवे देता था और झंडे लेके नाचता था, बाद में माना ना, फिर नहीं इंसान बंदर से नहीं बने वाला है, इंसान फिर कहाँ से बना, क्या करा, तहकीक करके फिर बता रहे उन्होंने। तो ये पहले उन्होंने वहां तक पहुंचे ही नहीं ना, उस हद तक पहुंचा ही नहीं उनका इल्म, कि अभी तो उनको बहुत बाकी स्टडी करना, अभी उन्होंने पहली क्लास में अभी उनको एमए और बीए करने के वास्ते साइंस को बहुत टाइम लगेगा, मिसाल बता रहा हूँ, वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक के क्लासों में। जब उन्होंने वहां तक पहुंचेंगे तो फिर तुमको बताएंगे कि हाँ ईश्वर है, उसका नाम अल्लाह है, उसका नाम खुदा है उर्दू में, उसका नाम गॉड है, वही सबका पालनहार है, वही सबको लेके चलता पूरे दुनिया की कायनात, और उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसकी कोई मूरत नहीं है। जैसा कि अरबी में बोल दिया कुल हु अल्लाह वहाद, कह दो अल्लाह एक है, अर्थ ईश्वर स्तुति प्रत्नोपासना मंत्र रहा। इधर भी बोले अल्लाह है कि वो ईश्वर की कोई शक्ल नहीं है, उसने जगत को क्या बोलते थे, जब ब्रह्मांड की रचना रचा इसलिए उसको ब्रह्मा कह दिए, वो पूरे जगत को पालनहार है इसलिए उसको विष्णु कह दिए, वो जगत में जलाली है तो इसलिए उसको शंकर कह, भगवान वो कह दिए शंकर, और तुम लगे मूर्तियां बना के उसके ईश्वर के, ईश्वर की कोई मूर्त नहीं है, ईश्वर जो है तो उसको महसूस किया जा सकता सब जगह, उसने सब बनाया। रोशनी की कोई शक्ल है क्या, बताते क्या मुझे रोशनी की कौन सी शक्ल है, जरा बताओ बोला। तो वैसा ही ईश्वर हर जगह बोलते ना, वो ईश्वर उधर मौजूद है इधर नहीं, रोशनी कहाँ कहाँ मौजूद है, तो वैसा ईश्वर हर जगह मौजूद है, रोशनी को पकड़ सकते क्या तुम, नहीं वो वैसा ईश्वर को भी नहीं पकड़ सकते, देख नहीं सकते, उसको तुमको महसूस करना पड़ेगा। सूरज हजरत अली रजी अल्लाह तआला के पास में एक शख्स आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, तो अली मेरा दरवाजा है, उमर मेरी छत है। तो देखो जरा पढ़ो अली की रजी अल्लाह तआला को कितना इल्म दिया था अल्लाह ने, कि यहूदी आया और आके फरमाया कि अली मुझे खुदा को देखना है जो कायनात की रचना रचा, वो अल्लाह को देखना है मुझे, वो ईश्वर को देखना है, वो गॉड को देखना है, वो सब उसके नाम है, खुदा भी उसका नाम है, अल्लाह भी उसका नाम है, ईश्वर भी उसका नाम है और गॉड भी उसका नाम है, उसको मुझे देखना है। तो आपने फरमाया कि ठीक है कल आ जाओ जोहर के बाद, तुम आपको बता देता हूँ, वो देखूंगा तो बोले मैं ईमान में आ जाऊंगा। तो आपने फरमाया ठीक है कल आ जाओ, मैं तुमको जोहर के नमाज के बाद में बता दूंगा अल्लाह को। तो उन्होंने और ज्यादा मजमुआ लेके आया, सब लोग जमा हुए, हजरत अली खुदा को दिखाने वाले, उसको उन्हें खुदा को देखने वाला यहूदी। अरे अकल के अंधे लोगों समझो, अब
तो आया, आने के बाद बोला बताओ अली खुदा को, आपने लेके गए, ठीक है, धूप तड़तड़ाती हुई धूप थी, रेत के अंदर लेके गए, और बोले हाँ बताओ कहाँ है खुदा, तो बोले पहले वो सूरज को देख और कुछ लम्हात उसके ऊपर नजर गड़ा, पहले नजर जमा उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसा बोल रहे अली, मैं अगर सूरज को देखूंगा तो मेरे आंखें जल जाएंगी, अंधी हो जाएंगी। तो आपने फरमाया बे तू सूरज को नहीं देख सकता कुछ लम्हात तक, तो सूरज को बनाने वाले को कैसा देखेगा तू, उसके तजल्ली को कैसा बर्दाश्त करेगा, एक मामूली सूरज को तू बर्दाश्त नहीं कर सक रहा, तो उसको नहीं देख सकता, उसको देखने के लिए कुछ हदें मुकर्रर करे अली, वो हदों को तुझे पार करना पड़ेगा, उतना तुझे जाप करना पड़ेगा, उतना तुझे वक्त लगाना पड़ेगा उसकी राह में, फिर उसके तरफ से जब तुझे वो होगा इशारा क्या, ठीक है इस दरवाजे खोलो, जब तुझे उसको दिखने के दरवाजे, तेरे अंदर वो शक्ति पैदा करना पड़ेगा ना, कि ऐसा नहीं कि खुदा को दिखा दो अंधेरिया में, तो सूरज को देख नहीं सकता तो उसको सूरज को बनाने वाले को क्या देखेगा। बहुत सारे बातें है, इसलिए मैं बोलता कि कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहां से आए थे, कौन से आए, कब से हो रही थी तकलीफ, आंग में कितने बार हाजिर हुआ, दो तीन बार हुई थी, क्या लिया नाना वाना कुछ लिया कि नहीं, कब, अभी अभी, यहाँ क्या हुआ कुछ याद है क्या तुम्हारे, नहीं समझ में आया, जोर से बोलो, नहीं समझ में आया, तुम्हारे यहाँ आंग में अभी हाजिर हुआ था, और हाजिर होकर सब सवाल जवाब हुए, कौन डाला क्या डाला उसका नाम तो नहीं पूछा, बाकी पूरी तफसील में सब बयान कर दी। वो जो आता तो किसी को पेशेंट को ऐसा रहता कुछ ही याद नहीं रहता, और किस किस पेशेंट को रूहानियत के वार रहे तो उसको दिमाग को बातें समझ में आते, मगर उसका दिल दिमाग पकड़ के कोई और बात करता वो भी उसको महसूस आता, बहुत सारे राज है बहुत सारी बातें। चलो कहीं भी सुनने ज्यादा अंदर सबको अमल करने की, रोक दो पूरा घर बर्बाद, क्या क्या तकलीफ है बताओ।